वंदे मातरम। फ्रेंड्स, एक नई जर्नी की शुरुआत हो चुकी है हमारी। इस बार का ट्रैक है घंटा पास। अभी हम लोग आए हैं SBT। अभी हम रेड बस से हमने बस की बुकिंग की है, तो अभी हम बस पकड़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी टाइम हुआ है सुबह के 8:10 और हम पहुँचे हैं कुल्लू। और अभी पटलीकोल पहुँचने में मेरे ख्याल में हमें 30-40 मिनट हो जाएंगे, और फिर हम लोग वहाँ से टैक्सी बुला ली है हमने। तो टैक्सी में कोशिश करते हैं कोई साथ में ज्वाइन करने वाला मिला, तो अराउंड पटलीकोल से रूम सू बेस कैम्प के 750 रुपीज़ कुछ चार्ज करते हैं लोग। तो देखते हैं कोई अगर साथ में ज्वाइन करता है तो ठीक है, अदरवाइज तो अकेले जाएंगे। पहुँचना तो है, साथ बस भी लेट थी, सफ़र भी ऐसे ही रहा है, तो जाके थोड़ा आराम करते हैं। बाकी आपको दिखाएंगे, अभी थोड़ी देर में फिर पहुँच रहे हैं हम लोग पटलीकोल उतर के। फिर हमारी कैब को उन्होंने बुला लिया, 9:15 का टाइम दिया उसको। अभी चाय पीने के लिए उतरे हैं। रात जहाँ रुके थे वो भी बड़ा बेकार होटल था, रास्ते में रुके वो भी बड़ा बेकार। ये ट्रक ड्राइवर अपने दो पनाटों के चक्कर में दूसरे की बोट लगवा देते, वाशरूम भी ख़राब सब। अभी हम यहाँ पे कुल्लू बस स्टैंड में हैं, तो यहाँ पे हमने चाय का ऑर्डर दिया, अभी वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी पहुँच गए हैं, और ये रुमसु गांव में घुसते ही इनकी दो कैंप साइड हैं। तो हमारी ये कैंप साइड देखिए क्या ब्यूटीफुल जगह है, और अभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया है, मतलब काफ़ी सिस्टमेटिक प्रोसेस है इनका, जैसा सुना था हमने। तो इस तरह के टेंट हैं, और यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो गया है। तो हम लोगों ने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट और अपना एक फ़ोटो और एक मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट डॉक्टर से, एक MD डॉक्टर से साइन करा के लिया था, एक फ़ोटो और एक फ़ोटो ID, ये तीनों जमा हो गए। अब हमें कैंप अलॉट हो जाएगा, तो अब आज के बाद क्या रहेगा कि एक छोटी सी वॉक रहेगी शाम को, तो बस अभी आराम करते हैं। और जिसके लिए हम आए हैं वो स्टार्ट करना है, वो है बछौदियाँ। बड़ा अच्छा ही कैंप सेट अच्छी है, ऊपर वाली भी अच्छी थी, ये सिर्फ टेंट बेस्ड है, वो मतलब ऐसे रूम भी है वहाँ पे रन के, अच्छी है, बिल्कुल प्योर नेचुरल जगह है। ये टीम है अराउंड 30 लोगों की टीम, और ये पहला बैच है हमारा इस सीज़न का, जो कि 11 जून को जाएगा। तो अभी दो बैच में जाएगा ये, 30-30 के दो लोग इसमें बैच में जा रहे हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, ये इनके स्विस टेंट हैं, और ये वॉशरूम है, बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, गर्म पानी भी है। अभी तक तो ब्रेकफास्ट किया था, अभी दलिया सैंडविच और कुछ गुजराती भाई थे, पहले आ गए हुए थे, वो भी खाया। लोकेशन बहुत ही शानदार है, टुमारो इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट।
these 2 days we take care of ourselves, we hydrate, we try to acclimatize it all the campsite. You did acclimatization today, why this yeah. walk, you should go and check out. So trek a distance zyada nahi ab tak ka. Okay, total distance I guess is around 24 to 26 kilometers. And if you see the altitude gain, jo humta dam ka point hai, that is 2700 meters and you are going to 4200 meters. So total 1500 meter ka altitude gain hai. Still this thing is good enough because the maximum altitude where you will be going is 4200 meters. So risk obviously is maybe high. Okay. और थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है कि सिंस दिस ट्रैक डजंट स्टार्ट फ्रॉम 1500 मीटर्स एल्टीट्यूड लाइक सार पास यू डोंट गेट मच ऑफ टाइम टू एक्लिमेटाइज टुडे यू आर एट 2000 मीटर्स टुमारो यू आर गोइंग टू कैंप एट चिका 2900 मीटर्स ओके बालू का गेरा इज अनदर एल्टीट्यूड अभी देखो दो दिन में ही आप सीधे 2900 मीटर पर पहुँच रहे हैं सो दैट्स वाई आफ्टर रीचिंग टुमारो एट चिका वेरी इंपॉर्टेंट एक्लिमेटेशन ओके कल यहाँ से आप लोग सुबह सुबह राइड के साथ चालू करोगे आपका टाइम को 2 hours right, followed by 2.5 hours of trek. 3 घंटे रख लो मैक्सिमम आपको ट्रैक में रखेंगे अगर सही ढंग से कर रहे हो तो चिका पहुंचना चिका में एक्लिमेटाइजेशन करना वेरी ब्यूटीफुल कैंप साइट यू हैव अ वाटरफॉल आल्सो अप देयर ओके सो एक्लिमेटाइजेशन का मतलब है कि हम पानी पियेंगे हम थोड़ा गेम करेंगे एक्टिविटी करेंगे ब्रीद इन ब्रीद आउट कुछ नहीं बनता अगर है ना तो आपको क्या करना चाहिए एल्टीट्यूड गेन से यू रीच टू द कैंप साइट यू रिलैक्स फॉर एन आवर नाउ यू हैव 1 hour टू एक्लिमेटाइज सो व्हाट वी डू वी टेक आउट आवर वाटर बॉटल एंड वी डू एन एल्टीट्यूड गेन से 20 मिनट्स 100 मीटर्स बैक वी सिट देयर फॉर 10 मिनट्स एंड देन वी कम डाउन हाउ मच दिस एक्टिविटी टेक्स 1 hour जितना ज्यादा एल्टीट्यूड गेन करेंगे या जितना ज्यादा एक्टिविटी करोगे आप पानी पीते रहोगे एक्लिमेटाइज तो अभी बैग पैक कर लिया है देखिए कितना अच्छा मौसम आ रहा है पीछे इसमें ग्राइंड देखा ब्लर हो गया बड़ा अच्छा कैंप है बहुत सिस्टमेटिक अभी ओरिएंटेशन हुआ है यहाँ पे मतलब हालांकि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी इनसे पहले भी एक बार हमने थ्रिलो फेलियर से किया था ट्रैक नागतिब्बा का लेकिन उनसे तो एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा पर आज उन्होंने बहुत ही डिटेल में काफ़ी अच्छा ओरिएंटेशन दिया तो जिसकी वीडियो भी मैंने डाली है उसमें तो आप वीडियो भी देखिएगा अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो अभी तक तो उनकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो ख़राब या बेकार रही हो तो आगे भी वीडियो शेयर करते रहेंगे लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे कल के बाद हमारे पास नेटवर्क नहीं मिलेगा हमें और ना हमारे पास चार्जिंग के पॉइंट से तो वो थोड़ा एक पॉइंट है तो फ़ोन तो 100% चार्ज रहेगा और एक्शन कैम भी चार्ज करके ले जा रहे हैं और एक पावर बैंक भी है पर ये भी मैक्सिमम एक ही दिन चलेगा सो फ्रेंड्स ये हमारा हमटा पास का पहला जत्था रवाना होते हुए और हमारी एक्लिमेटाइजेशन वॉक चल रही है 30 लोगों का ग्रुप है आज मॉर्निंग में पहुँचे हैं और अभी हमारी एक्लिमेटाइजेशन वॉक चल रही है पुलक विलेज तक के लिए तो फ्रेंड्स ये पूरा ग्रुप है और हमारी वॉक अभी कंप्लीट हुई है पोला गांव तक ये मैं लास्ट यहीं तक गाड़ी आती है हम लोग 2.5 किलोमीटर की वॉक करके आए हैं अभी तो अभी एक ग्रुप फोटो ले रहे हैं फर्स्ट मैच विथ कैलाश रथ ट्रैक हाउस द जोस हाउस द जोस हाउस द जोस नहीं
सो फ्रेंड्स, बैग पैक की तैयारी चल रही है और ये अपना स्पाइक्स और लाइनर का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। ये अपना स्लीपिंग बैग के अंदर लग जाएंगे तो कल सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट होना है। अभी ओरिएंटेशन हुआ था जिसकी हमने अपनी वीडियो देखी, अभी बहुत ही अच्छा ओरिएंटेशन दिया है अपने ग्रुप लीडर ने भी और काफ़ी अच्छा बताया उन्होंने, यूज़फुल थी काफ़ी चीज़ें। तो इस ट्रैक पे मोस्टली लोग बिगिनर्स ही हैं, अपने साथ में बच्ची भी एक। तो अभी तक बड़ा अच्छा माहौल है, ये देखे व्यू अभी। तो कल मॉर्निंग में 8 बजे से हमारा यहाँ से हम टैक्सी से अपने हमटा, देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है। कल हम हमटा डैम जाएंगे, हमटा डैम के बाद अपने पहली कैंप सेट जाएंगे। कल छोटा ही ट्रैक है, 3-4 किलोमीटर का। कल 3-4 किलोमीटर का है, परसों का जो ट्रैक रहेगा वो भी 4-5 किलोमीटर का। उससे अगले दिन फिर थोड़ा टफ है, जिससे हम हमटा, जिस दिन हमें हमटा पास क्रॉस करना है वो थोड़ा लंबा पड़ेगा। One, two, three, action! Chuma, chuma, de de, chuma, chuma, de de, chuma. Cheers! Oji, oji!